आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत लगातार रूसी बाजार से तेल खरीद रहा है। ऐसे में साल 2019 से भारत और ईरान के बीच बंद तेल सप्लाई को अब ईरान एक बार फिर शुरू करना चाहता है। ईरान का कहना है कि भारत जिस तरह से रूस के मामले में अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रहा है, उसी तरह उसके साथ व्यापार में भी अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह ना करे। एक रिपोर्ट की माने तो जल्द ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। वही मानो तो 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन मीटिंग के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। एससीओ काउंसलिंग मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति समेत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल होंगे। ईरान लगातार तेल की सप्लाई शुरू करने की बात कर रहा है और हाल ही में ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते हुए तेल की खरीदारी का मामला उठाया था। इससे पहले बीते जून महीने में जब ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर जब भारत दौरे पर थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत की थी। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ों की खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।